हिमाचल की सियासी जंग भी दिलचस्प होती नजर आ रही है। मंडी सीट को लेकर वार पलटवार काफी देखा गया, लेकिन सियासी लड़ाई में नेताओं के शब्दों की जो मर्यादा है वो अब धीरे धीरे खत्म होती दिखाई दे रही है। बात एक्टर डायरेक्टर से होते हुए अंग्रेजों और अज्ञानी तक जा पहुंची है। ऐसे में कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह ने जुबानी जंग में और ज्यादा घी में आग या आग में घी डालने का काम किया है, वो आप खुद देखिए। 2014 में एक ऐतिहासिक काम जो हमारे देश में हुआ है, एक जो कांग्रेस की दीमक, अंग्रेजों के जमाने का मैं इनको अंश कहती हूं, क्योंकि ये उनकी ही छोड़ी हुई एक बीमारी है यहाँ पर, और ये बीमारी से हमारा देश कई दशकों तक ग्रस्त रहा। ये जो परिवारवाद की जो दीमक है, इसने पूरी तरह से हमारे देश को खा दिया था। मोतीलाल नेहरू, आप सोच लीजिए, उस टाइम का एक अंबानी टाइप एक कैरेक्टर था जो अंग्रेजों के बहुत प्रिय था। फिर उसका सुपुत हुआ नेहरू, उनको क्यों सत्ता मिले कोई नहीं जानते, क्योंकि सारी वोटिंग जो है वो वल्लभ भाई पटेल जी के पक्ष में हुई थी। फिर उसके बाद उनकी बेटी हुई इंदिरा, जिन्होंने इस देश को एक खुली जेल बना दिया। उनके जैसा तानाशाह आज कहते हैं कि हमारे संविधान के इतिहास में नहीं हुआ। जो मर्जी करी, 100 बार संविधान चेंज किया। फिर उनके और भी कारनामे हुए, संजय गांधी जी पकड़ पकड़ के लोगों की जो है वो नसबंदी करते थे, ना जाने कितनी। मैं अगर उनके चिट्ठे खोलने लगूं यहाँ पे तो सुबह हो जाए। हम विकास की बात कर रहे हैं और वो लोग केवल जो है यहाँ पर आके ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो जनता तय करेगी कि उनको काम करने वाले चाहिए। ये जो पिक्चर बनाना और ये मूवी बनाना और ये जो एक महीने की डायरेक्टर यहाँ पे आए हुए हैं, एक्टर यहाँ पर आए हुए हैं, ये लोग जो है वो हिमाचल की परिस्थितियों को, हिमाचल के इतिहास को, हिमाचल के मुद्दों को ना समझते हैं, ना इसके ऊपर काम करने की इनकी कोई इच्छा शक्ति है। उनको ना जानकारी है, ना कोई इतिहास का ज्ञान है। पहली बात तो देश के अंदर शहजादे नहीं होते, यहाँ पे राजा महाराजा होते हैं। ये हिंदुस्तान है, ये कोई ईरान और पाकिस्तान नहीं है। तो पहले तो अपना ज्ञान ठीक कर ले, पहले तो अपना जो है वो जो उनकी नॉलेज है उसको ठीक करे। शहजादे भारत में नहीं होते। दूसरी बात, मुझे गर्व है कि मैं एक पूर्व रियासत का जो है, मैं एक पूर्व रियासत से संबंध रखता हूँ।